मोदी सरकार द्वारा तीन तलाक बिल को राज्यसभा से भी पारित कराने के बाद अब तीन तलाक देने पर पुलिस आरोपी को सीधे गिरफ्तार कर सकती है। इसके साथ ही दोषी पति को 3 साल की सजा का भी प्रावधान है। आइए जानते हैं इसमें क्या क्या होगा। कानून में पति पत्नी पुलिस और कोर्ट की भूमिका। पत्नी को मिलेगा गुजारा भत्ता। पीड़िता या संबंधी की शिकायत माननी। मजिस्ट्रेट की शर्तों के साथ सुलह संभव है। पति से गुजारा भत्ता, बच्चों को कस्टडी मिलेगी। पुलिस शिकायत पर सीधे गिरफ्तारी कर सकती है। महिला या रिश्तेदार की शिकायत पर पुलिस आरोपी को सीधा गिरफ्तार कर सकती है। मजिस्ट्रेट कुछ शर्तों के साथ बेल दे सकते हैं। पत्नी का पक्ष सुनने के बाद ही मिलेगी बेल। पत्नी का पक्ष सुनने के बाद बेल मिल सकती है। दोषी साबित होने पर पति को 3 साल की सजा का प्रावधान है। जुबानी, लिखित या व्हाट्सएप ईमेल मैसेज से तलाक गैरकानूनी होगा। मजिस्ट्रेट महिला बच्चों का गुजारा भत्ता तय करेंगे। इस पूरे मामले के बाद यह भी पता चला है कि मुस्लिम महिलाओं द्वारा देश भर में जुलूस निकालकर जश्न मनाया गया। दुनिया के 22 इस्लामी देशों में इस पर बैन लगा हुआ है। इन देशों में पाकिस्तान, बांग्लादेश, तुर्की, इराक, साइप्रस, जॉर्डन जैसे देश हैं। इधर नेता प्रतिपक्ष गुलाम नबी आजाद द्वारा भी एक विवादित बयान दिया गया है। उन्होंने कहा, मुस्लिम परिवारों को तोड़ना ही इस बिल का मकसद है। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।